हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम करते हैं अपने चैनल पे जिसका नाम है पीके गार्डन। फ्रेंड्स, आज जो है मैंने कुछ प्लांट मंगाए हैं। पहली बार मैंने पुष्पांजलि नर्सरी अशोक से मंगाया हूँ और ये इसके फुल डिटेल है। फ्रेंड्स, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं प्लांट की क्या कंडीशन है। और हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आईडी है, जो भी वैरायटी है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये कुछ बिल्स भी लगे हुए हैं, पैकिंग तो ठीक है। अब अंदर देखते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा पौधा है और देखते हैं क्या है ये। ये मैंने पिंक एप्पल मैंने मंगाया था, वाटर एप्पल, और ये थोड़ा सा बैंड होने की वजह से ये टूट चुका है ये थोड़ा सा। और इसका कंडीशन देखते हैं। ये मैंने थाई पिंक वाटर एप्पल करके मैंने मंगाया है और ये ग्राफ्टेड है। आप ये देख सकते हैं, इसमें आईडी लगा हुआ है। ये इसका भी मैं सोयल मीडिया तैयार करके इसका वीडियो बनाऊंगा। एक्चुअली इसका वीडियो है नहीं, यूट्यूब पे बहुत कम है, तो पहले इसको मैं साइड में करता हूँ। और दूसरा मैंने ये मंगाया हुआ है, ये थाईलैंड वैरायटी का चीकू का पौधा है। ये मेरा बहुत दिन से शौक था, इस चीकू का पौधा मंगाऊँ, चीकू का पौधा मंगाऊँ। और ये कंडीशन इसका चीकू का ये है, बहुत अच्छा कंडीशन में पौधा मिला है। एक्चुअली 3 दिन में ही मेरे पास आ गया है। थाईलैंड वैरायटी का चीकू का पौधा है ये, इसको भी हम साइड करते हैं। अब आते हैं गुलाब के ऊपर, कौन कौन सी आईडी हमने मंगाया हुआ है और मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारा रोज़ का प्लांट है और पौधा तो सर ने काफ़ी हेल्दी भेजा है सानू जी ने। ये नील कमल है फ्रेंड्स, ये भी बहुत अच्छा फूल इसका आता है और कंडीशन इसका ठीक है, अच्छा है कंडीशन इसका भी। देख रहा हूँ कैसे इन्होंने भेजा है मुझे। फ्रेंड्स, इसको मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ और इसका भी आईडी मैं दिखा रहा हूँ आपको। मैं स्क्रीन पे इसका फ़ोटो लगा दूंगा। लेवेंडर सून करके ये प्लांट है, काफ़ी कांटे इसमें बहुत ज़बरदस्त है। फ्रेंड्स, आप ये देखिए, इसकी आईडी है लेवेंडर सून, बहुत प्यारा फूल है फ्रेंड्स। तो इसको भी मैं वाटर में डिप कर दूंगा क्योंकि सिंडर मीडिया में मुझे लगाना है। फ्रेंड्स, ये जो हम गुलाब दिखाने जा रहे हैं, इसकी पौधा काफ़ी लोगों का ये शौक रहता है कि काला गुलाब सर, हम ब्लैक गुलाब होता है क्या? तो फ्रेंड्स, ये वही गुलाब है और ब्लैक होता कुछ नहीं है। इसका नेचर जो है ब्लैक बकारा करके है, ठीक है। आप इसकी आईडी देखिए, ब्लैक बकारा करके इसकी आईडी है। और ये वीडियो हम शाम को शूट कर रहे हैं, इसके लिए थोड़ा सा, क्योंकि मुझे तुरंत इसको लगाना भी पड़ेगा, तो मान लीजिए अनबॉक्सिंग हम कर नहीं पाते और एक दिन हम रखना उचित नहीं समझ रहे थे। और इसके भी पौधा थोड़ी सी ठीक है, ये भी ठीक ठाक पौधा है। तो चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं हम आपको। फ्रेंड्स, ये जो है हॉट शॉट्स है, जो शादी वगैरह में जो ये डच वैरायटी की गुलाब है और हॉट शॉट करके ये फ्रेंड्स ये गुलाब है। इसकी आईडी आप देखिए, इसमें कली भी लगा हुआ है फ्रेंड्स। ये एक तरह से ये डम्मा के तरह ये कलर इसका है। फ्रेंड्स, ये है मेरे गुरुजी का नाम, जो हमको गुलाब उगाना सिखाते हैं, ये उनके नाम से, चूँकि उनसे मैंने मांगा था तो वो शायद अवेलेबल नहीं करा पाए, तो ये उनके नाम से ये गुलाब है। और नौ मणि त्रिपाठी करके इनका चैनल भी है, काफ़ी सब्सक्राइबर भी है, एक तरह का रोजेरियन है और इनसे हमको बहुत मार्गदर्शन भी मिलता है। तो ये एक सरप्राइज़ है उनके लिए, आप ये देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो है आर्टिकल, ये बिग एप्पल करके ये आर्टिकल है फ्रेंड्स। ये बिग है, बहुत अच्छा फ्लावरिंग है इसका भी, बहुत वाइट और रेड शेप में इसका फ्लावरिंग आता है, बहुत प्यारा फ्लावरिंग है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये गिग्गी है, बहुत अच्छा फ्लावरिंग है। यहाँ से बर्ड आई से इसका टूट गया है फ्रेंड्स और ये बचना भी मुश्किल ही मुझे लग रहा है। हम इसको देखते हैं, शायद बच जाए, बचना मुश्किल है।
फ्रेंड्स ये तीनेके है और ये करीब जितने आप बड़े बड़े कलकत्ता में रोजेरियम देखते हैं जो 400-500 फूल खिलाते हैं, वाइट कलर में ये इसका फूल होता है और ये वही है तीनेके, और इसी पे वो लोग काम करते हैं, 2-4 साल मेहनत करते हैं, कंपटीशन इसी से लड़ते हैं। ये तीनेके का फ्रेंड्स ये वेराइटी है। तो मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप वीडियो को ज़रूर फुल वॉच कीजिएगा। और कैसे लगाते हैं, एक्चुअली शाम हो गया तो इसके आगे की प्रक्रिया हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि पहले वीडियो हमारी पड़ी हुई है, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। मिलते हैं एक नई यूनिक इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।